गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, तो क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जो अगला नेक्स्ट टॉपिक अपना है वह नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हम तीन मेथड से फाइंड कर लिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, फैक्टराइजेशन से और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। लेकिन उस रूट्स का जो नेचर है, नेचर के बारे में हमें नहीं पता चला है, तो उसी हमें नेचर को डिस्कस करना है, जो नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखो, तो कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो तीन टाइप्स का होगा। ठीक है, या तो दोनों के दोनों रूट्स रियल होंगे, और जब ये दोनों के दोनों नहीं, मतलब रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे। तो जब रूट्स रियल होंगे तो रियल के केस में क्या होगा, या तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे, रियल के केस में क्या होगा, या तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे, या फिर दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। या तो रूट्स रियल होंगे या फिर रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो रियल वाले रूट में क्या होगा, जो दोनों के दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे, यानी कि दोनों का दोनों समान होगा, या फिर दोनों का दोनों क्या होगा, अनइक्वल होगा, दोनों का दोनों अनइक्वल होगा, या फिर एक रूट्स कुछ होगा दूसरा रूट्स जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है वो निगेटिव, पॉजिटिव, इक्वल, अनइक्वल, जीरो, फ्रैक्शन में कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हम लिखे हैं, जो नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि रूट्स जो होगा वो दो टाइप का होगा, या तो रियल होगा या फिर इमेजिनरी होगा। तो हमें देखना है कि रियल कब होगा और इमेजिनरी कब होगा, हमें देखना है रियल कब होगा और इमेजिनरी कब होगा। देखो, रियल नंबर, रियल का मतलब क्या होता है, रियल, रियल का मतलब क्या होगा, वास्तव में, यानी कि वास्तविक। रियल का मतलब क्या होगा, वास्तविक, यानी कि जो चीज़ हमारे आँखों के सामने होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रियल। और इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ, इमेजिंग करना, यानी कि उसके बारे में सोचना। इमेजिनरी का मतलब क्या होगा, इमेजिंग करना, यानी कि उसके बारे में सोचना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स। जैसे कि हम अगर सपना देखते हैं, तो सपना देखते हैं तो क्या होता है, उस समय हमें रियलिटी दिखता है, लेकिन बाद में जब हमें पता चलता है तो हमारे पास जैसा कुछ हम सपना देखते हैं वैसा कुछ नहीं रहता है। तो वो क्या है, वहाँ पर हम इमेजिंग कर रहे थे ऐसा ऐसा मेरे पास है, लेकिन जब हम रियल लाइफ में आए तो रियल लाइफ में वो चीज़ नहीं था। ठीक है, तो रियल का मतलब क्या होगा, एकदम वास्तव में वो चीज़ रहना चाहिए, और इमेजिनरी का मतलब क्या होगा, वो चीज़ नहीं होगा, बस उसके बारे में हम क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, उसके बारे में हम सोचेंगे। ठीक है, तो देखो, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कंसीडर करके चल रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम कंसीडर किए हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसमें क्या होता है, ए इज नॉट इक्वल जीरो, ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, वेयर ए इज नॉट इक्वल जीरो एंड ए कोमा बी कोमा सी, ये साइन जो है ये बिलोंग्स टू ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर का मतलब क्या है, रियल नंबर। आर का मतलब क्या है, रियल नंबर। तो ए बी और सी जो है वो रियल नंबर में बिलोंग्स करता है, और ए जो है ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ये दोनों लाइन तो हमें समझ में आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर किए और उसके अंदर ए बी सी जो भी कोएफिशिएंट था, तो ए बी सी क्या है, तो रियल नंबर है, तो लिख दिए ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज नॉट इक्वल जीरो। तो ये बात तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आ गए, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, द रूट्स ऑफ द गिवेन इक्वेशन, यानी ये जो गिवेन इक्वेशन है इसका रूट्स, द रूट्स ऑफ द गिवेन इक्वेशन आर गिवेन बाय एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, यानी कि जो गिवेन इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन का रूट्स हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किए थे, जिस दिन हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को प्रूव किए थे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, क्वाड्रेटिक फार्मूला निकल के आया था, एक्स इक्वल टू माइनस बी आया था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द रूट्स ऑफ द गिवेन इक्वेशन आर गिवेन बाय एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन
टू ए, जो गिवेन इक्वेशन है उस गिवेन इक्वेशन का रूट्स क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, और ये चीज़ हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब इसी ये जो रूट्स आया है इसी में एक d है, इस d को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल D से या फिर डेल्टा से, कैपिटल D से या फिर डेल्टा से। यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये d का फॉर्मूला है, ठीक है। वेयर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज द डिस्क्रिमिनेंट, यानी d इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अब d को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। उस चीज़ को डिफाइन कर दिया, तो यानी कि ये जो चार लाइन है ये चारों लाइन को हम डिफाइन तो कर चुके हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a इज नॉट इक्वल जीरो, ए कोमा बी कोमा सी जो है वो रियल नंबर है। फिर जो ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, वो इस लाइन में लिखा हुआ है। फिर लास्ट वाले इस लाइन में लिखा हुआ है जो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, और d जो होता है वो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। ये सब चीज़ यहाँ तक तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो, डैट मीन्स इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट, यानी अल्फा और बीटा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो पहला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फर्स्ट वाला, उसका क्या है, रूट्स है। और हम ये चीज़ प्रूव किए थे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम क्या होगा, दो रूट्स होगा। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका अधिकतम जो होगा, अधिकतम कितना रूट्स होगा, दो रूट्स होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, डैट मीन्स इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट देन। तो हम जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूव किए थे तो उसमें साइन दो टाइप का था, प्लस और माइनस था। तो एक बार हम प्लस साइन को अलग किए थे और माइनस साइन को अलग किए थे। तो जब हम प्लस साइन को अलग किए थे तो वहाँ पे क्या मिला था, अल्फा, और जब माइनस वाले साइन को हम अलग किए थे तो वहाँ से क्या मिला था, बीटा। तो सेम चीज़ यहाँ पे कर दिया है जो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट देन अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए, यानी प्लस वाले साइन को अलग कर दिया और माइनस वाले को अलग कर दिया। तो यानी कि यहाँ तक भी हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। यानी ये तीनों पॉइंट जो है, ये तीनों पॉइंट नया है, ठीक है। इन्हीं तीनों पॉइंट के बारे में हमें डिस्कस करना है, यानी कि नेचर जो है रूट्स का वो यहीं से पता चलेगा, जो रूट्स का नेचर क्या होगा, ठीक है, यहीं से हमें पता करना है। तो यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है नाउ द फ्लोइंग केस आर पॉसिबल, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसके नेचर के लिए फ्लोइंग केस जो है वो पॉसिबल है। तीन केस बन के आया है, क्योंकि ये चीज़ जो डिपेंड करेगा, रूट्स जो डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, डी पे, कि डी का वैल्यू क्या आ रहा है, डी का वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा या फिर निगेटिव आएगा या जीरो होगा, उसी पे डिपेंड करेगा। तो देखो, व्हेन डी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब जीरो से बड़ा, और डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब हुआ जो डी का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव होगा। डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा यानी कि जीरो से बड़ा होगा, और जीरो से बड़ा होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव होगा। तो जिस केस में, यानी कि वहाँ जो लिखा हुआ है पहला केस लिखा हुआ है डी ग्रेटर देन जीरो, तो डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ, डी जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा कोई भी चीज़ क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये सब क्या है, जीरो से बड़ा है। यानी कि जीरो से बड़ा होने के लिए वो नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो डी ग्रेटर देन जीरो यानी कि डी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब डी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव चीज़ रहेगा, उसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उस कारण से यहाँ पे लिख दिया व्हेन डी ग्रेटर देन जीरो रूट्स आर रियल, रूट्स क्या होगा, रियल होगा। इस बात को याद रखेंगे, जब डी का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न, ठीक है। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल यानी अलग अलग, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब भिन्न भिन्न, डिस्टिंक्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न भिन्न, ठीक है। यानी कि जब डी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी कि डी का वैल्यू जब जीरो से बड़ा होगा, उस केस में रूट्स जो होगा वो क्या होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा या फिर डिस्टिंक्ट होगा, क्योंकि अनइक्वल का मतलब होता है अलग अलग और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है भिन्न भिन्न। तो अलग अलग बोले या फिर भिन्न भिन्न बोले, दोनों का मतलब सेम ही है। तो वही चीज़ लिख दिया है जो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, बस में आ गया। ये तो पहला पॉइंट हो गया, किसके लिए, डी ग्रेटर देन जीरो के लिए। दूसरा पॉइंट, व्हेन डी इक्वल टू जीरो,
व्हेन डी इक्वल टू जीरो, जब डी का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है, व्हेन डी इक्वल टू जीरो, जब डी का वैल्यू जीरो होगा उस केस में क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल एंड इच रूट अल्फा इक्वल टू बीटा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है रूट्स आर रियल, यानी कि डी का वैल्यू पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो, दोनों केस में क्या है, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, यानी कि पॉजिटिव वाले और जीरो वाले दोनों केस में रूट्स क्या होगा, रियल होगा। अब पॉजिटिव वाले में अनइक्वल था, लेकिन इसमें क्या है, इक्वल है, जब डी का वैल्यू जीरो होगा तो उस केस में रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा। अब दोनों रूट्स इक्वल होने का मतलब दोनों बराबर होगा, यानी अल्फा बराबर बीटा, और उसका फॉर्मूला होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर माइनस बी बाय टू ए। ऐसा क्यों हुआ, देखो दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में क्या है, डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना है, जीरो अपॉन टू ए, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस जीरो का मतलब कुछ नहीं अपॉन टू ए, बस रह गया, क्योंकि ये तो जीरो हो गया तो बात खत्म ही हो गया, यानी कि x इक्वल टू माइनस बी बाई टू आ गया, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, दो रूट्स होते हैं। अब प्लस माइनस रहता था, जब प्लस माइनस था हम प्लस वाले को एक रूट और माइनस वाले को दूसरा रूट ले लिए थे, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस तो है नहीं, एक ही चीज़ है, यानी कि यही अल्फा भी होगा और यही क्या होगा, बीटा भी होगा, यानी अल्फा और बीटा दोनों क्या होगा, बराबर ही होगा। हम याद रखेंगे जब डी का वैल्यू जीरो होगा, जब डी का वैल्यू जीरो के बराबर होगा तो उस केस में रूट्स इक्वल होगा, जब डी का वैल्यू जीरो होगा तो रूट्स इक्वल होगा और रियल होगा। अब इक्वल में कितना होगा, माइनस बी बाय टू ए होगा। अब बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दो पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया, पहला पॉइंट जब डी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, डी का वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी डी का वैल्यू जब जीरो से बड़ा होगा, तो जीरो से बड़ा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो उस केस में क्या होगा, रूट्स रियल होगा और अनइक्वल होगा, रूट्स जो होगा वो रियल होगा और अनइक्वल होगा, यानी कि अलग अलग होगा। दूसरा केस, व्हेन डी इक्वल टू जीरो, जब डी का वैल्यू जीरो होगा, जब डी का वैल्यू जीरो के बराबर होगा, तो उस केस में क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जब डी का वैल्यू बराबर जीरो होगा उस केस में रूट्स क्या होगा, रियल होगा और क्या होगा, इक्वल होगा, और कितना होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर माइनस बी बाय टू ए, ठीक है। सबसे लास्ट केस, व्हेन डी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब जीरो से कम, तो जीरो से कम जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। व्हेन डी लेस देन जीरो, तो जीरो से कम जो होगा वो चीज़ क्या होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव वाले केस में क्या होगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि जब डी का वैल्यू निगेटिव होगा उस समय क्या होगा, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होगा। रूट्स एग्जिस्ट होगा लेकिन कौन सा, रियल एग्जिस्ट नहीं होगा, कौन सा होगा, इमेजिनरी एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, यानी कि दोनों के दोनों रूट्स जो होंगे वो दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, रियल नहीं होंगे। अब इमेजिनरी क्या होगा और रियल क्या होगा, तो रियल का मतलब वास्तविक और इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक। तो वास्तविक क्या होगा, यानी कि जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। और इमेजिनरी का नंबर क्या होगा, जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उस नंबर को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर, यानी कि जिसको हम सिर्फ देखेंगे ये नंबर है लेकिन वो नंबर नहीं होगा, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। जैसे कि यहां पे देखो, स्क्वायर रूट फोर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, स्क्वायर रूट फोर का मतलब कितना हो गया, टू, तो टू को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट आसानी से कर लेंगे, एक नंबर लाइन खींचेंगे 0 1 2 करके दिखा देंगे यहाँ पे क्या है, 2 है। तो स्क्वायर रूट फोर को हम, स्क्वायर रूट फोर का वैल्यू पता है 2 होगा, लेकिन इसी में अगर दे दिया माइनस स्क्वायर रूट फोर तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस बाहर है, माइनस को बाहर छोड़ दिए, अब 4 का स्क्वायर रूट 2, तो माइनस, यानी माइनस स्क्वायर रूट फोर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो माइनस 2 को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन इसी चीज़ में हमें दे दिया जी स्क्वायर रूट माइनस 4। अब ये चीज़ जो है
और ये चीज दोनों सेम चीज नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज है। इसमें माइनस बाहर था, इसमें माइनस क्या है अंदर है। तो जब कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव साइन आएगा, जब कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव साइन आएगा तो उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। ये लिखा हुआ है इमेजिनरी, ठीक है। जब कभी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव साइन आएगा, जब कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव साइन आएगा उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, यानी कि इमेजिनरी नंबर। बात समझ आ गया। तो तीसरा केस क्या था, व्हेन डी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो यानी डी का वैल्यू जीरो से कम। तो डी का वैल्यू जब जीरो से कम होगा तो उस केस में क्या होगा, निगेटिव होगा। जीरो से कम क्या होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव के केस में क्या होगा, नो रियल रूट्स, यानी कि कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, वो दोनों रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। रूट्स तो होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे, लेकिन दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, वो रियल नहीं होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे था, जो जब स्क्वायर रूट माइनस फोर है, स्क्वायर रूट माइनस फोर क्या हुआ, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव है। अब इसका वैल्यू क्या होता है वो चीज़ हमें नहीं पता है, इसको हम नहीं बोल सकते हैं जो माइनस टू के बराबर होगा, यानी कि इस चीज़ को हम नहीं लिख सकते हैं जो माइनस टू के बराबर होगा, क्योंकि माइनस को बाहर कर दिया, फोर का स्क्वायर रूट टू, इसको हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। याद रखेंगे, जब स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव साइन होगा तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। जब स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव साइन होगा उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। यानी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव साइन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। तो अब इमेजिनरी नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं उसको सॉल्व कैसे करेंगे। वो चीज़ अपना अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि स्क्वायर रूट माइनस फोर को सॉल्व करना था, स्क्वायर रूट माइनस फोर को सॉल्व करना था, ठीक है। तो देखो, अगर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट टू इंटू स्क्वायर रूट थ्री, इसको क्या लिखते हो, स्क्वायर रूट सिक्स। स्क्वायर रूट टू और स्क्वायर रूट थ्री है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या लिखे, स्क्वायर रूट सिक्स। तो सेम चीज़ यहाँ पे जो ऊपर लिखा है इसको हम लिख देते हैं स्क्वायर रूट फोर इंटू स्क्वायर रूट माइनस वन। पास में आ गया, फोर को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर आ जाएगा, क्योंकि टू को जब थ्री से किया सिक्स आया, तो फोर को माइनस वन से करेंगे तो माइनस फोर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि स्क्वायर रूट माइनस फोर जो था, उस स्क्वायर रूट माइनस फोर को हम लिख दिए स्क्वायर रूट फोर इंटू स्क्वायर रूट माइनस वन। पास में आ गया। अब इसी में हमें स्क्वायर रूट माइनस फोर इक्वल टू, फोर का स्क्वायर रूट पता है कितना, टू, और फिर इंटू स्क्वायर रूट क्या बच गया, माइनस वन। अब इसमें क्या होगा, ये जो स्क्वायर रूट माइनस वन है, क्योंकि ये नंबर इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी किसके कारण हुआ था, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस था, स्क्वायर रूट के अंदर क्या था, माइनस था। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो माइनस है, इस माइनस को हम बोलते हैं, ये एक इसका एक नाम दिया हुआ है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल आई, ठीक है, स्मॉल आई से उसको डिनोट करते हैं। और इस आई का जो नाम है वह है आई ओ टी ए, आयोटा, ठीक है। ये जो स्मॉल आई है इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस था, तो माइनस का मतलब क्या था, आयोटा था। यानी स्क्वायर रूट माइनस वन को हम क्या लिखेंगे, आयोटा, आई ओ टी ए, आयोटा, और उसका सिंबल क्या है, स्मॉल आई। यानी कि स्क्वायर रूट माइनस फोर इक्वल टू टू इंटू स्क्वायर रूट माइनस वन का वैल्यू क्या होता है, आई, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टू आयोटा। बस में आ गया, यानी कि स्क्वायर रूट माइनस फोर जो था उसका वैल्यू क्या हो गया, टू आयोटा। वैसे अगर मान लो चलो हमें दे रखा है स्क्वायर रूट माइनस नाइन, इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट नाइन इंटू स्क्वायर रूट माइनस वन, स्क्वायर रूट नाइन का क्या हो जाएगा, थ्री, स्क्वायर रूट माइनस वन को हम क्या बोलते हैं, आयोटा, यानी कि थ्री आयोटा। बात समझ आ गया। तो इमेजिनरी नंबर क्या होगा, जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। क्योंकि तुम्हें बोलेगा जो टू आई है, ये टू आयोटा, इस टू आयोटा को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, ये जो टू आयोटा है इस टू आयोटा को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमें पता है नंबर लाइन पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स होता है, ये आई कहाँ से होगा, आयोटा कहाँ होगा, हमें नहीं पता है, ठीक है। इस कारण से हम इस चीज़ को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यानी ये चीज़ हमें देखने में लग रहा है, ये चीज़ जो है देखने में लग रहा है ये नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये नंबर नहीं है,
ये वास्तव में ये नंबर नहीं है, ये क्या है, नंबर हम इमेजिन कर रहे हैं, यानी हम इसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि फोर जो है फोर के कारण हम सोच पा रहे हैं ये जो है नंबर है, लेकिन अब ये टू आई जो है इस आई के कारण हम नहीं सोच पा रहे हैं ये कहाँ है, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इमेजिन करना, यानी कि उसके बारे में सोचना, ठीक है। तो जिस चीज़ में कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव साइन होगा, स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव साइन होगा उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। देखो अब इसी पे एक एग्जांपल हम देखते हैं, क्योंकि हम लास्ट वाला स्टेप जो है ये नहीं पढ़ना है, ये चीज़ अभी हमें नहीं पढ़ना है। व्हेन डी लेस देन जीरो, जब डी का वैल्यू निगेटिव होगा तो रूट्स क्या होगा, रियल नहीं होगा, नो रियल रूट्स, या फिर रूट्स आर इमेजिनरी, तो वो इमेजिनरी रूट्स होगा, वो कितना होगा। देखो जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल एक्स जो है उस वेरिएबल एक्स का मैक्सिमम पावर टू है, यानी कि क्वाड्रेटिक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, दो रूट्स होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे। इसको हम लिख सकते हैं जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर, यहाँ से एक्स इक्वल टू, जब एक्स इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस आएगा, और इस पूरे का अंडर रूट, एक्स स्क्वायर हटाए तो क्या होगा, प्लस माइनस, और इस इधर बाद जितना कुछ लिखा था पूरे का अंडर रूट, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट फोर इंटू अंडर रूट माइनस वन। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस फोर का स्क्वायर रूट टू, अंडर रूट माइनस वन का मतलब आयोटा, यानी कि आई। तो एक्स इक्वल टू, यानी कि एक बार प्लस साइन लेंगे क्या मिलेगा, अल्फा इक्वल टू टू आई, माइनस साइन लेंगे तो बीटा इक्वल टू माइनस का टू आई, बस में आ गया। तो यही चीज़ होता है, यानी ये चीज़ क्या है, रूट्स जो है ये रियल नहीं है, यानी वास्तव में ये चीज़ नंबर नहीं है, ये दिख रहा है नंबर है लेकिन ये नंबर नहीं है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स। ये जो लास्ट वाला जो केस थर्ड है इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे हम बता दिए डिटेल में क्या होता है नहीं होता है, इसको अलेवंथ में डिटेल में पढ़ना है, हम वैसे रफली हम थोड़ा बहुत हम बता दिए, ठीक है। तो इस लास्ट वाले केस पे हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस याद रखना है व्हेन डी लेस देन जीरो, बस जब डी का वैल्यू लेस देन जीरो होगा, यानी कि डी का वैल्यू क्या होगा, जीरो से कम होगा, यानी कि निगेटिव होगा, तो व्हेन डी लेस देन जीरो नो रियल रूट्स, यानी कि रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे, रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, बस इतना ही याद रखना है। अभी हमें इतना ही याद रखना है कि जब डी का वैल्यू लेस देन जीरो होगा, डी का वैल्यू जब निगेटिव होगा तो उस समय रूट्स जो होगा वो रियल नहीं होगा, जैसे ही डी का वैल्यू निगेटिव आया वहीं पे लिख देंगे नो रियल रूट्स, डायरेक्ट लिख देंगे नो रियल रूट्स, या फिर लिख देंगे रूट्स आर इमेजिनरी। हमें जो अभी पढ़ना है वो केस फर्स्ट और केस सेकेंड को पढ़ना है, ठीक है। केस थर्ड को अभी बस याद रखना है कि डी का वैल्यू जब निगेटिव होगा उस समय रूट्स क्या होगा, रियल नहीं होगा। केस फर्स्ट और केस सेकेंड को हमें डिटेल में पढ़ना है। जो व्हेन डी ग्रेटर देन जीरो, फर्स्ट केस क्या है, डी ग्रेटर देन जीरो, यानी डी का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा, डी का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा तो उस समय क्या है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स जो होगा वो रियल होगा और अनइक्वल होगा। दूसरा केस है व्हेन डी इक्वल टू जीरो, जब डी का वैल्यू जीरो होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी बाय टू ए, ठीक है। और जब डी लेस देन जीरो होगा उस समय क्या होगा, नो रियल रूट्स, यानी कि कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज़ होता है नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का नेचर क्या होगा, वो चीज़ हमें समझ में आ गया जी। तीन केस उसमें अराइज होगा, पहला केस डी ग्रेटर देन जीरो, दूसरा केस डी इक्वल टू जीरो, और तीसरा केस डी लेस देन जीरो। पास में आ गया। तो नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट में हमें तीन पॉइंट याद रखना है। पहला केस क्या आया था, फर्स्ट केस क्या आया था, जो डी ग्रेटर देन जीरो, तो जब डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो इस केस में क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब यानी कि डी के तरफ क्या है, बड़ा मुंह है, यानी ये छोटा मुंह और ये बड़ा मुंह, तो डी के तरफ बड़ा मुंह है यानी कि जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा नंबर क्या होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स,
तो उस समय क्या होगा, सब पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव जब होगा तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा, यानी अलग अलग होगा। तो जिस केस में रूट्स रियल होगा और अनइक्वल होगा उसको फाइंड करने का फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। यानी कि जब रूट्स जो होगा अनइक्वल होगा यानी अलग अलग होगा, तो एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा, वो रूट्स क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। बस में आ गया, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अभी हम पढ़े जो डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो, जब डी का वैल्यू जीरो होगा, तो डी का वैल्यू जब जीरो होगा इस केस में क्या होगा, रूट्स आर रियल, क्योंकि रियल तो इन दोनों केस में होता है, डी का वैल्यू पॉजिटिव रहे या फिर जीरो रहे, दोनों केस में क्या होता है, रूट्स जो होता है वह रियल होता है। एंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा, और वो कितना होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर माइनस बी बाय टू है। पास में आ गया, तो पहला पॉइंट में डी ग्रेटर देन जीरो, अच्छे से इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन इससे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ग्रेटर देन जीरो तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, जब रियल और अनइक्वल होगा तो कितना होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू है। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए कल हम बताए थे। दूसरा पॉइंट डी बराबर जीरो, जब डी का वैल्यू जीरो के बराबर होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डी इक्वल टू जीरो का केस हो गया। और अगला जो तीसरा पॉइंट अपने पास था उसमें क्या था, डी लेस देन जीरो, तो जब डी लेस देन जीरो होता है तो उस केस में क्या होता है, डी लेस देन जीरो के केस में नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, यानी कि रूट्स जो होते हैं वो रियल नहीं होते, तो उस केस में क्या होगा, रूट्स जो होगा वो इमेजिनरी होगा। तो इन तीनों केस को हम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो डी ग्रेटर देन जीरो तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, डी इक्वल टू जीरो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और डी लेस देन जीरो तो नो रियल रूट्स, और रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा, रूट्स होगा लेकिन वो रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है, अब इसी पे कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल है, डिटरमाइन द नेचर, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला है टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, चौथा है फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, और पाँचवा है टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्वेश्चन है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चार पांच दे रखा है, इसके रूट्स का हमें नेचर देखना है। देखिए पहला क्वेश्चन है टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो सबके लिए पहले हम ए बी सी का वैल्यू लिखेंगे, ए बी और सी। ये क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट टू, बी क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट वन, सी क्या होगा कॉन्स्टेंट टर्म तो माइनस वन हो गया। अब डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो डी इक्वल टू बी का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू माइनस वन, तो डी इक्वल टू वन और माइनस माइनस प्लस एट, तो डी इक्वल टू कितना आ गया नाइन। तो ये जो डी है, डी क्या है, डी ग्रेटर देन जीरो, डी का वैल्यू कितना आ गया नाइन, तो डी ग्रेटर देन जीरो। और जब डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट्स आर रियल
एंड अनइक्वल, रूट्स क्या होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा, यानी कि अलग अलग होगा। अगर उस रूट्स को फाइंड करना होगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, उसे निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। देखो ए बी सी, ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन, बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस फोर, सी कॉन्स्टेंट टर्म प्लस का फोर, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर, बी का वैल्यू माइनस फोर, अब माइनस फोर इंटू वन इंटू सी, तो डी इक्वल टू माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, अब माइनस सिक्सटीन, तो डी इक्वल टू जीरो, डी का वैल्यू क्या आ गया सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन जीरो। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जब डी का वैल्यू जीरो होता है तो उस केस में क्या होगा, रूट्स जो होगा वो रियल होगा और इक्वल होगा। अगर वो रूट्स निकालना होगा तो क्या होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर माइनस बी बाय टू ए, इसका अगर रूट्स फाइंड करना होगा कितना होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर माइनस बी बाय टू ए। तीसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ए बी सी, ए का वैल्यू वन वन वन, सब इस बार वन वन नहीं है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में वन, एक्स के मल्टीप्लाई में वन और कॉन्स्टेंट भी वन, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी इक्वल टू वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू वन, तो डी इक्वल टू वन माइनस फोर, यहाँ से डी इक्वल टू माइनस थ्री, वन माइनस फोर माइनस का थ्री, तो ये जो आ गया क्या आ गया, डी लेस देन जीरो। तीसरा केस, जब डी लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, नो रियल रूट्स, बस में आ गया। तो पहला केस में डी पॉजिटिव आया, दूसरे में जीरो आया और तीसरे में क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो जब भी हमें नेचर ऑफ रूट्स देखना होगा, जो रूट्स का नेचर, ये जो इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक दे रखा है उसका रूट्स का नेचर क्या है, तो रूट्स का नेचर निकालने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, और वो अगर पॉजिटिव होगा तो रूट्स रियल होगा अनइक्वल होगा, अगर नेगेटिव होगा तो नो रियल रूट्स, और अगर जीरो होगा तो रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन नंबर फोर, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। देखो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू, फोर माइनस फोर वन, तो डी इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो डी इक्वल टू माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू फोर इंटू वन, तो डी इक्वल टू माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और माइनस सिक्सटीन, तो डी इक्वल टू जीरो। इसमें भी क्या आ गया, डी का वैल्यू जीरो आ गया, तो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि डी का वैल्यू जीरो है तो रूट्स जो होगा वो रियल होगा और क्या होगा, इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, ए बी सी, ए का वैल्यू टू, बी का वैल्यू फाइव और सी का वैल्यू फाइव, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो डी इक्वल टू बी का वैल्यू फाइव का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू फाइव, तो डी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टी, यहाँ से डी इक्वल टू माइनस का फिफ्टीन, तो माइनस फिफ्टीन यानी कि क्या गया, डी लेस देन जीरो। और जब डी का वैल्यू निगेटिव होगा उस केस में क्या होता है, नो रियल रूट्स, यानी कि रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन था डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, इसके रूट्स का हमें नेचर देखना था, इसका नेचर क्या है। सिंपल सा हम क्या किए, सबके लिए डी का वैल्यू निकाल लिए, जिसमें डी का वैल्यू पॉजिटिव आया, जिसमें डी का वैल्यू पॉजिटिव आया तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, जिसमें डी का वैल्यू निगेटिव आया तो नो रियल रूट्स, और जिसमें रूट डी का वैल्यू जीरो आया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो यह हम फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए, यानी कि नेचर हम उसका कैसे देखेंगे वो चीज़ हमें पता चल गया। ठीक है, कल जो होगा, अब हम नेक्स्ट क्लास में जो होगा, इसी नेचर ऑफ रूट्स के बारे में
हम और डिटेल में इसका क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है वो क्वेश्चन हम करेंगे, जो भी बताए थे क्वेश्चन वो क्वेश्चन तो बस हम बताए रूट्स हम कैसे डिफाइन करेंगे कब कौन सा होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता। क्वेश्चन जो होता है उसमें कोई वेरिएबल के रहेगा, उस के का वैल्यू फाइंड करना होगा, पी रहेगा उस पी का वैल्यू फाइंड करना होगा, और क्वेश्चन में दिया रहेगा जी इसका रूट्स जो है वो रियल है या फिर इमेजिनरी है, जो भी कुछ रहेगा वो क्वेश्चन में नेचर हमें दिया रहेगा, नेचर हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा और उसका रूट्स जो होगा उसको हम फाइंड करेंगे। इस टॉपिक को जो है अच्छे से कवर कर लेंगे क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।